जंगल सफारी, एक रोमांचक सफर। यहाँ आप हर तरह के जानवरों से रूबरू होते हैं, छोटे, मोटे, शांत और खूंखार। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने जानवरों के नाम बता सकते हैं, तो क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितने जानवर हैं? नहीं ना? चलिए हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन जीव मौजूद हैं, लेकिन अब तक कुल 1.8 मिलियन जीवों की ही खोज की गई है। बाकी के जीव अभी भी हमारे लिए एक रहस्य हैं, और हर एक जीव एक विशेष प्रजाति को रिप्रेजेंट यानी संबोधित करता है। सभी प्रजातियां यानी स्पीशीज एक दूसरे से अलग होती हैं, एवं जब एक इकोसिस्टम में ये सभी जीव मौजूद होते हैं तो इसे बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता कहते हैं। लेकिन वो जीव जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है, उनका क्या? हम उनकी खोज कैसे कर सकते हैं? और अगर हमने उन्हें खोज भी लिया तो उन्हें हम स्टडी कैसे करेंगे? खोजे गए जीव को स्टडी करने के लिए हमें उन्हें एक नाम देना होता है, ताकि हम उनका वर्गीकरण आसानी से कर सकें, यानी उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटना। हर एक जीव के दो नाम होते हैं, एक वो जो हमारे जैसे आम लोग जानते हैं, और दूसरा वो जो वैज्ञानिक उसकी खोज करने के बाद उसे नामांकित करते हैं। इसे लिनॉस द्वारा दिया हुआ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, यानी दो अक्षरों से बना हुआ नाम। नहीं समझ आया? चलिए हम समझाते हैं। आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? उदाहरण के लिए हम भिंडी की बात करते हैं। भिंडी यह एक हिंदी शब्द है, लेकिन इंग्लिश में इसे लेडी फिंगर कहते हैं। अरब देशों में इसे बामिस कहते हैं, तो फ्रेंच भाषा में इसे गोम्बो या फिर बामिया कहते हैं। इसी तरह हर एक जीव एवं पौधों का उनका स्थानीय नाम होता है, लेकिन वैज्ञानिक इन नामों का उपयोग नहीं करते। वे हर एक नए खोजे गए जीव को दो अक्षरों वाला वैज्ञानिक नाम देते हैं, जो हर देश में मान्य होता है। उदाहरण के लिए भिंडी का वैज्ञानिक नाम होगा एबलमस्कस एस्कुलेंटस, जिसमें पहला अक्षर उसके जीनस को दर्शाता है और दूसरा अक्षर स्पीशीज को दर्शाता है। इसी तरह आम का वैज्ञानिक नाम होगा मैंजीफेरा इंडिका, और मनुष्यों का होमो सैपियंस। अब सवाल यह है कि वैज्ञानिक सारे जीवों को इस तरह नाम क्यों देते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। जब भी किसी जीव की खोज की जाती है, तो वैज्ञानिक उनकी स्टडी करने के लिए उसे अलग अलग समूह में यानी ग्रुप में रखते हैं, और एक ग्रुप में सारे जीव लगभग एक जैसे होते हैं। टैक्सोनॉमी का मीनिंग ही किसी जीव की पहचान करना, उसका नामांकन करना और क्लासिफाई यानी वर्गीकृत करना होता है। इसकी खोज कैरोलस लिनॉस ने की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम जीवों की बनावट या उनका आकार, कोशिका यानी सेल का आकार, उसका विकास, उनके व्यवहार आदि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी की कुछ श्रेणियां यानी कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, और सबसे बड़ी श्रेणी होती है किंगडम। उदाहरण के लिए एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत, जिसमें हर तरह के एनिमल शामिल हैं, और सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज यानी प्रजाति, जिसमें एक जैसे दिखने वाले जीव शामिल हैं, जैसे ह्यूमंस, आम के पेड़। किसी भी जीव का टैक्सोनॉमी ज्ञात करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है।
जिनका हम उपयोग करके किसी भी जीव की स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हर्बेरियम। हर्बेरियम का इस्तेमाल प्लांट्स के सैंपल इकट्ठे करने के लिए और स्टडी करने के लिए किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन में हम पौधों की ऐसी प्रजातियों को संभाल कर रख सकते हैं जो आज खतरे में है या फिर विलुप्त होने की कगार पर है। इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो हावड़ा कोलकाता में बना है, जिसकी शुरुआत 1787 में हुई थी, लगभग 273 एकड़ क्षेत्र में फैला है। लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट्स विलुप्त हो चुके हैं उनका क्या? उनके लिए भी हमारे पास म्यूजियम मौजूद है, जहां ऐसे जीवों का भंडार होता है जो पहले कभी हमारी पृथ्वी पर पाए जाते थे, जैसे डायनासोर का कंकाल। एक और टैक्सोनॉमिक टूल है जिसे हम जू कहते हैं, और यहाँ उन एनिमल्स को संभाल कर रखा जाता है जो या तो जीने के लिए जूझ रहे हैं या फिर उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जू सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं होता। ये सारे टूल्स तो उन जीवों के लिए है जिनकी खोज हम कर चुके हैं, लेकिन उन जीवों का क्या जो अभी भी खोजना बाकी है? क्या उनकी खोज हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है? और वो जीव कैसे दिखते होंगे? क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए अलविदा।